गुड मॉर्निंग ऑल, डेली करंट अफेयर में स्वागत है। बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, ओडिशा बंदरगाह कहाँ स्थित है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए, ओडिशा बंदरगाह कहाँ स्थित है। इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में अभी ये चर्चा में है। ओडिशा बंदरगाह, ऑप्शन है भारत, रूस, यूक्रेन, फ्रांस। ओडिशा बंदरगाह भारत में होता तो आपकी जानकारी में रहता, भारत में है नहीं। ओडिशा बंदरगाह है यूक्रेन में। ये भी चर्चा में क्यों है, क्योंकि जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने जो ओडिशा बंदरगाह है, जिसको काला बंदरगाह भी बोलते हैं, इसको अभी विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। ठीक है, विश्व जो धरोहर है, क्योंकि अभी जो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो उसमें रूस ने मिसाइलों से इसको उड़ा दिया था, इस बंदरगाह को, इसलिए इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है यूनेस्को ने। ठीक है, अब हल्का पुल्का इसके बारे में ये देखें कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध किस बात को लेकर हो रहा है। यूक्रेन है ये रूस का पड़ोसी देश है, ठीक है, छोटा सा देश है। इसने नाटो में, जो नाटो कंट्रीज है, उसमें जाने की धमकी दी थी रूस को, तो रूस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमला कर दिया। फिर से ये कंटिन्यू अभी युद्ध चल रहा है, और यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची के अंदर अभी ओडिशा बंदरगाह को शामिल किया है। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का ये यूएनओ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ का एक संगठन है। यूएनओ की पहले बात करें अपन, यूएनओ का मुख्यालय है वो सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को है, ये यूएसए में है, अमेरिका में। ठीक है, यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, और वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है यूएनओ के, एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं, पुर्तगाल के। लिख लीजिए आप, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके वर्तमान में जो चीफ है वो है एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल के हैं। ठीक है, तो यूएनओ का संगठन है यूनेस्को, जो अपने जो कल्चरल जो हेरिटेज रहते हैं या आर्किटेक्चर हो गए, तो उनको ये संरक्षण का कार्य करता है। ठीक है, यूनेस्को, इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। इसकी स्थापना कब हुई थी यूनेस्को की, 16 नवंबर 1945। यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945, और यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945। वर्तमान में इसके चीफ कौन है, आंद्रे एंजोले, ये अभी इसकी अध्यक्ष है, आंद्रे एंजोले है, महिला है, ये इसकी अध्यक्ष है। तो ओडिशा बंदरगाह जो यूक्रेन में स्थित है, ठीक है, इसको अभी विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है यूनेस्को ने। अपन ने ये कंप्लीट पढ़ लिया। आज का दूसरा क्वेश्चन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। रघुराम राजन, शशिकांत दास, दिनेश शशिधर जगदीशन। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है पता होगा, शशिकांत दास। रघुराम राजन है, ये पहले गवर्नर थे आरबीआई के, और वर्तमान में कौन है अध्यक्ष, शशिकांत दास। दिनेश कौन है, पूरा नाम है इनका दिनेश कुमार है। ये जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो राष्ट्रीयकृत जो भी बैंक है उनमें सबसे बड़ी बैंक है ये। ठीक है, तो उसके अभी प्रमुख ये है दिनेश कुमार, और शशिधर जगदीशन ये जो एचडीएफसी बैंक है उसके प्रमुख है। ठीक है, आज का जो तीसरा टॉपिक है वो है IIRF MBA, MBA जो IIRF MBA रैंकिंग 2023 में पहला स्थान कौन सी यूनिवर्सिटी को मिला है।
ऑप्शन है IIM अहमदाबाद, इसके बारे में अपने 2-3 दिन पहले करंट अफेयर की क्लास में पढ़ा था। IIM बेंगलुरु, IIM कोलकाता, IIM लखनऊ। IIM यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका पहला स्थान कौन सा है? IIM अहमदाबाद को, ठीक है। IIRF MBA रैंकिंग 2023 में पहला स्थान अहमदाबाद को है, दूसरा है बेंगलोर को, तीसरा है कोलकाता को और चौथा है लखनऊ को। और जो IIRF जो रैंकिंग है, MBA रैंकिंग है, उसकी 2022 2022 की रैंकिंग में पहला स्थान लखनऊ को, ठीक है। लखनऊ पहले से चौथे स्थान पे चली गई। तो आज का करंट अफेयर इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक अपन कल के करंट अफेयर में पढ़ेंगे। डेली करंट अफेयर के लिए जुड़े रहिए, जो सटीक जो आपके एग्जाम में उपयोगी है वही सामग्री आपको पढ़ाई जाएगी। धन्यवाद।